राज्यपाल जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में मैंने उल्लेख किया है कि अगर वार्डों का परिसीमन और विभाजन जनसंख्या का आधार और जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना है तो मध्य प्रदेश में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए और वो जो वोटर हैं वो क्या है, वो क्या है? जब आप प्रदेश, जब आप राजधानी की जनसंख्या 23 लाख मान रहे हो और वोटर हो गए 18 लाख, जिसमें बैरसिया को छोड़ रखा है, बैरसिया को अगर जोड़ा जाए तो ये वोटरों की संख्या हो जाती है 22 लाख, 21 लाख। तो उस आधार पर मैंने ये निवेदन किया है कि भैया हमको ये बताओ कि ये जो भोपाल में जो 30 लाख लोग रह रहे हैं, नगर निगम इसी चीज से मिलान कर लो कि नगर निगम के हाउस का जो है कितने मकानों का उसके पास संपत्ति कर आता है, कितने भवनों में उसका नल कनेक्शन है, एमपीबी से ले लो कितने हाउसों में जो है बिजली का कनेक्शन है। भोपाल की जनगणना को षड्यंत्र पूर्वक नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसे ही चुनाव के समय वोटरों को काटने के लिए फर्जी वोटर है, ये वोटर है, ये वोटर जोड़ के, और कई विधानसभा या बूथ वाइज अगर आकलन करें तो 100-150 वोटर आपको भी ऐसे भटकते हुए मिले होंगे जिनका किसी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला। यही हालात नगर निगम के चुनाव में करने की तैयारी है। तो एक तो हमारा आग्रह है कि भोपाल की आबादी 30 लाख मानी जाए, दूसरा हमारा आग्रह है कि जो पुराना भोपाल है उसमें लगभग 40 साल से वो नगर निगम का सेवाओं का उपयोग कर रहा है। जब 40 साल से जो नगर निगम की सेवाओं का उपयोग कर रहा है और एक क्षेत्र जो है कुलार जो 4 साल पहले नगर निगम में आया और 4 साल भी पूरे ठीक से नहीं हुए और पहले से ही विभाजन की तैयारी, कभी नगर पंचायत बनाने की, फिर नगर पालिका बनाने की, फिर हम बार बार विरोध कर रहे हैं, तो अब 2 नगर निगम बनाने का, 2 फाड़ करने की तैयारी होगी। तो वहां भोपाल में, पुराने भोपाल में आधा किलोमीटर के दायरे में 20,000-25,000 की पॉपुलेशन हो जाएगी, लेकिन कुलार और नवीन कॉलोनी के क्षेत्रों में 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दायरे में भी 20,000 की आबादी नहीं होगी। और इसलिए जो घनत्व क्षेत्र है वहां आप जनसंख्या का आधार मानिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नवीन बसाहट का क्षेत्र है वहां पर आप उसका जो है क्षेत्रफल को आधार मानिए, उस आधार पर आप वार्डों का विभाजन करिए। और पहले तो आग्रह हमारा ये है महामहिम जी के माध्यम से, कमलनाथ जी से, कि मेहरबानी करके शहर का विभाजन ना करें, और अगर विभाजन ही करना ही है और आप तुल ही गए हो तो आपकी भी इंदौर, आपकी छिंदवाड़ा भी नगर निगम है। छिंदवाड़ा नगर निगम में कितने वोटरों का वार्ड है, मुरैना नगर निगम है, मुरैना नगर निगम में कितने वोटरों का वार्ड है, देवास नगर निगम है कितने वोटरों का वार्ड है, बुरहानपुर नगर निगम है कितने वोटरों का वार्ड है। तो आप अगर शहर की एक आबादी को नई नगर निगम बना रहे हो कोलार नगर निगम, तो उसमें कम से कम इस छिंदवाड़ा और मुरैना की जो आबादी है उसको अनुपात में वहां वार्डों का विभाजन किया जाए और नागरिकों को मूलभूत सुविधा अभी से ये डिसाइड हो जाए कि ऐसा नहीं हो कि एक तरफ पॉपुलेशन आपने ज्यादा देकर दूसरी तरफ आपने संपत्ति के विभाजन में भेदभाव कर लो। जैसे परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव होता है कि एक परिवार में 5 बेटा हैं, 3 जिधर रह रहे हैं उधर संपत्ति ज्यादा ले ली, 2 जिधर रह रहे हैं उधर संपत्ति कम दे दी, तो भैया ये भेदभाव नहीं होगा, आबादी का भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्रफल के आधार पर हमको ज्यादा लागत की जरूरत है क्योंकि हमें 100-200-400 किलोमीटर पीने की पाइपलाइन डालनी, हमको इतने किलोमीटर सीवेज लाइन डालनी, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कम से कम अगर 5 किलोमीटर में अगर स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट खम्मा 30 मीटर पर डलता है तो उस हिसाब से 5 किलोमीटर क्षेत्र को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको लग जाएगा। तो हमें पैसे की ज्यादा डिमांड है और इसलिए भेदभाव ना करा जाए,
पैसे का बराबर विभाजन हो, सामग्री का विभाजन हो, भवन और बिल्डिंगों का विभाजन हो और विशेष अनुदान कोलार नगर निगम अगर बना रहे तो उसको दिया जाए। वैसे तो मेरा आग्रह कमलनाथ जी से कि नगर निगम बनाने का भ्रम छोड़ दें और छिंदवाड़ा मॉडल को संभाल के रखें, भोपाल में विभाजन के मॉडल को नई शुरुआत ना करें, ये हमने आग्रह किया है और इसको आधार माना जाए क्षेत्रफल को नवीन नगर निगम में। शर्मा जी आपने एक बात कही थी अपने पत्र में, शॉर्ट में जानना चाहूंगा, जो 2021 की जो जनगणना होने वाली है तो वार्डों का परिसीमन जो है उसके आधार पे हो, पहली बात तो नहीं, मैंने कहा कि अब जब 2011 की जनगणना को आप आधार मान रहे हो तो भैया दो साल और रुक जाओ बेटे, दो साल और रुक जाओ, 19 में हम चल रहे हैं, 19 नवंबर के पर आ गए हम और 2020 और 21 में जनगणना फिर होगी, तो 21 की जनगणना पूरी करने के बाद फिर आप नए सिरे से भोपाल नगर निगम और आबादी को विभाजित करके फिर नगर निगम बनाइए, दो साल तक और चलने दीजिए, जो नगर निगम चल रही है एक ही नगर निगम बना के चला लीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जनगणना दो साल बाद होगी और फिर आप विभाजन कर, विभाजन पहले हो चुका होगा तो उतना लाभ और उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी। सरकार ने दो साल तो अब ये इतनी भी क्या जल्दीबाजी, नहीं जब बल्ला भवन ही नहीं रहा तो नगर निगम का घोषणा लेके क्या करोगे, जब तुम बल्ला भवन की इतनी बड़ी बिल्डिंग में संतुष्ट नहीं हो तो नगर निगम में जहाँ झाड़ू और सीवेज का ही काम है तुम उस पे क्यों टूट पड़े हो, उस पे उसको बचने दो, वो जन सुविधा के काम है, जन सुविधाओं के कामों को तो जन भागीदारी और जन समस्या के निराकरण का विषय बनने दो ना, उसे राजनीतिक अखाड़ा का विषय ना बनाओ। ठीक है, बहुत बात है, आप सुना